भगवान 5-6 साल तक के थे, तब तक गोकुल में रहे। उसके बाद नंद बाबा, यशोदा मैया सभी वृंदावन आ गए और वृंदावन में भगवान ने करी रास लीला, क्योंकि भगवान की गोवर्धन लीला अत्यंत रहस्यमयी लीला है। इस लीला के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको ये समझ आ गया कि कृष्ण कौन है, नहीं, वो तो भगवान ने अंत तक कोशिश करी कि लोगों को पता ना चले कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये नहीं कहूंगी कि ये समझ आ गया कि वो भगवान है, पर ये समझ आ गया कि वो साधारण तो नहीं है, कुछ तो अलग है उसमें। और जब ईश्वरीय भाव आए, किसी को लेकर जब ऐसे भाव आ जाए ना कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, कुछ अंश है या कुछ कृपा है या कुछ तो है इसमें, तो मन में भगवत प्रेम जागता है, ईश्वरीय प्रेम जागता है, फिर वो सांसारिक प्रेम नहीं रह जाता। तो जब भगवान को लेकर उनके मन में ईश्वरीय प्रेम आया, तब जाकर भगवान ने रास लीला करी, उससे पहले नहीं करी। अब सुखदेव जी यहां पर रास लीला को बहुत संक्षेप में सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कलयुग के जो जीव है वो इस लीला को कभी समझ नहीं पाएंगे, वो इसमें काम देखेंगे, देखते ही है। हम इस शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं, और हम ही कर रहे हैं। आप किसी और से क्या उम्मीद रखेंगे या शिकायत रखेंगे कि वो भगवान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, वो भगवान का मजाक बना रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, मजाक कौन बना रहा है नहीं बना रहा है, दूसरी बात है हंस कौन रहा है, हंस कौन रहा है, हंस तो हम ही रहे हैं ना। हंसना बंद कर दीजिए, मजाक बनने बंद हो जाएंगे। एक दुकानदार अपनी दुकान में सामान तभी तक रखेगा जब तक वो बिकेगा, जिस दिन वो बिकना बंद हो जाएगा वो रखना बंद कर देगा। बिक रहा है अभी, आप सुन रहे हैं, आप हंस रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं कि मनुष्य इतना तो नहीं गिर सकता कि अगर कोई ये भी कहे कि मजाक ही तो है, मजाक को लेना नहीं आता, तो आप इतना गिर गए हैं कि जब तकलीफ आती है तो इसी भगवान के पास मांगने जाते हो कि मेरी तकलीफ दूर कर दो, मेरी स्थिति ठीक कर दो, मेरे दिन अच्छे कर दो, मेरी सहायता कर दो, मुझ पे कृपा कर दो। और जब दिन सही चल रहे होते हैं तो इसी का मजाक बनाते हो। इतना गिर गए हम, प्रसंग खत्म हो गए हैं मजाक करने के लिए कि भगवान का मजाक बना रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूं, हमेशा बदलाव के लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं है, हिस्सा मत बनिए। बदलाव ऐसे भी आ सकता है, ऐसी चीजों का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। अगर आज आपके सामने कोई कुछ ऐसा कह भी रहा है जो भगवान को नीचा दिख रहा है या भगवान का मजाक है, आपको बस ये करना है कि हंसना नहीं है, ये मजाक नहीं था, मुझे हंसी नहीं आई, बस इतना। इसमें हिंसा हुई, नकारात्मकता फैली, नफरत हुई, लेकिन बदलाव भी आ गया। और याद रखना, आपके भगवान, आपका देश, आपका समाज, आपकी संस्कृति, इनकी इज्जत अगर आप नहीं करेंगे तो बाहर वाला तो कतई नहीं करेगा। कि जिनका है जब उनको नहीं पड़ी तो हमको क्यों पड़ी, हमारे तो है भी नहीं। जब इज्जत आप ही नहीं कर रहे तो आप किसी और से क्या उम्मीद रख रहे हैं कि वो इज्जत करेगा। तो पहले आप इज्जत करना सीखिए। और मैं हमेशा कहती हूं, कल भी मैंने कहा था, भगवान की बराबरी मत करिए। और आप क्यों भूल रहे हैं कि रास लीला का जो प्रसंग है
कोई लड़का लड़की नहीं नाच रहे क्या? आपको देखना लड़का लड़की नाच रहे हैं, वो लड़का लड़की है क्या? वो भगवान नाच रहे हैं भाई। अभी आप नंद उत्सव में आप सबने बड़ा नृत्य किया, किस किस ने नृत्य किया हाथ उठाओ, आनंद आया? मान लीजिए जब आप नृत्य कर रहे थे उसी वक्त बीच में भगवान आ जाते, सोच के देखो कि आप नृत्य कर अचानक से बीच में भगवान प्रकट हो गए, क्या करते आप? पीछे हट जाते, पराया मर्द आ गया, हट जाते क्या? क्यों नहीं? कैसे आपका नृत्य करना भक्ति है और गोपियों का नृत्य करना काम है? आप नृत्य करे तो बड़े भाव है आप में, बड़ी भक्ति है, बड़ा प्रेम है, गोपियां नृत्य कर ले तो काम हो गया, ये भेदभाव क्यों भाई? और ये बात तो पक्की है, कम से कम हमसे ज्यादा ही भाव थे उनमें, हमसे ज्यादा भक्ति थी उनमें, हमसे ज्यादा तप किया था उन्होंने, तब जाके उनको गोपियों का जन्म मिला था। ये सब बड़े बड़े ऋषि गण थे जिन्होंने वर्षों तपस्या करी थी, तब भगवान ने कहा था कि इनका तप इतना बड़ा है कि सिर्फ कुछ देर की झलक इनके लिए काफी नहीं होगी, तब भगवान ने उनको दूसरा जन्म गोपियों के रूप में दिया था कि जिस तरीके से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा मैं किसी को प्राप्त नहीं होऊंगा, वो तप का फल था उनके, हमने थोड़ी करे ऐसे कुछ, फिर भी हमारी भक्ति भक्ति है और उनकी भक्ति काम हो जाता है। और यहां तक जबकि इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी सुखदेव जी प्रसंग सुना रहे हैं कि कैसे वो साबित कर सके कि रास लीला में काम कहीं नहीं है।